प्यारे बच्चों, आज हमारा पहला लेक्चर है फिजिक्स के ऊपर और हम लोग शुरुआत करेंगे कि फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट वाला जो प्रोसेसर है वो कैसा है। क्लियर है? तो देखो, जब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स का, किसकी बात करते हैं? फिजिक्स की। तो हम कहते हैं कि जो फिजिक्स है वो स्टडी है नेचर की और नेचुरल फिनोमिना की। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना। अब नेचर में क्या-क्या चीजें होती हैं आप देख सकते हो कि रोटेशन ऑफ अर्थ आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ा है आप लोगों ने रोटेशन ऑफ अर्थ कैसा होता है, हमारा सोलर सिस्टम, फॉलिंग ऑफ रेन, मोशन ऑफ ए बॉडी, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट नेचर का पार्ट है, ठीक है ना? हम बात कर सकते हैं ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? करंट का फ्लो, तो ये सब चीजें हमारी नेचर के अंदर आती है और इन सब की स्टडी कहलाना हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। क्लियर है? देखो, फिजिक्स के अंदर सबसे खास बात क्या है कि फिजिक्स के अंदर हम एक छोटा सा लॉ पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। जैसे हमने ग्रेविटेशन लॉ अपने लोअर क्लास के अंदर पढ़ा था, हम लोग इसको अप्लाई कर सकते थे फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट निकालने के लिए। इससे हम लोग एक्सप्लेन कर पाए राइट्स एंड वेव्स के बारे में, हम बात कर पाए रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में या हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। मतलब एक छोटा सा लॉ था, हमने पढ़ा था एफ इजिकल टू जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि एक छोटा सा लॉ हम लोगों ने पढ़ा और बहुत जगह पे हम लोगों ने उसको अप्लाई कर दिया। ये फिजिक्स की सबसे अच्छी खास बात थी, यानी कि बहुत कम शब्दों के अंदर हमने किसी चीज को स्टडी करा और उसको बहुत सारी जगह पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको? यूनि यूनिफिकेशन। क्लियर है? ठीक है, यूनिफिकेशन का मतलब था कि हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फ्यू लॉ एंड यूज्ड वाइडली। मतलब बहुत कम शब्दों के अंदर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने कुछ लॉ को यहाँ पे स्टडी करा और बहुत वाइडली उसको हम लोगों ने यूज कर लिया, ये कहला रहा था यूनिफिकेशन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार हम कुछ चीजें बहुत छोटे लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, फिर उसको बहुत बड़े लेवल के ऊपर अप्लाई भी कर देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, स्टडी सम फिनोमिना एट स्मॉल लेवल। फिजिक्स के टर्म में स्मॉल लेवल होता है माइक्रो लेवल। अगर माइक्रो लेवल के ऊपर हम लोगों को समझ में आ गया, छोटे लेवल के ऊपर हम लोगों को समझ में आ गया, तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं बिगर लेवल के ऊपर, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो लेवल। क्लियर है? या इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैक्रो लेवल के ऊपर स्टडी करा, हम उसको माइक्रो लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका खास बात था। बात क्लियर हुई? तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म। फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई आप लोगों को? हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, कहते हैं कि नेचर में जब हम लोग डील करते हैं तो नेचर में ना चार तरह के फोर्स होते हैं, ठीक है? नेचर में कितने तरह के फोर्स होते हैं? चार तरह के फोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस,
कोर्सेज आपने लोअर क्लास में अलग अलग तरह के कोर्सेज पढ़े हैं, लेकिन जैसे हम लोग 11th क्लास में आते हैं यहाँ पर अब हर तरह के फोर्स हम लोग खत्म कर देते हैं और बस चार तरह के फोर्स हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल। दूसरा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक हो गया लास्ट में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार तरह के फोर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग फैमिलियर हैं ग्रेविटेशन फोर्स से कि अगर किसी दो बॉडी के बीच में मास होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, ये कहलाता है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये जो फोर्स होता है ये दोनों को मिला के हम लोगों ने बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब न्यूक्लियर रिएक्शन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है तो वहां पर जब डीके होता है तो वहां इंट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, उसको हम लोगों ने बोला वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि हम बात करते हैं जब न्यूक्लियस की तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन अगर सेम चार्ज है तब भी वो एक दूसरे से दूर नहीं भागते, मतलब कि वहां पर एक रिपल्सिव फोर्स के अलावा भी एक बहुत बड़ा फोर्स है जो उन सबको बांध के रखता है। यानी कि मैं ये जो ऑर्डर लिख रहा हूँ या जो ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ का है, कैसा है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, यानी कि बात करें ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, कैसा फोर्स है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगर इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3 और इसका ऑर्डर 4, मतलब कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कैसा ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये इसका। इसके साथ साथ हम बात करते हैं लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब कि बहुत दूर तक काम करता है। आप देखोगे कि हमारा सोलर सिस्टम इसने होल्ड करके रखा हुआ है, ये बहुत दूर तक काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम रेंज का है, काफी हद तक कम हो जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स विद इन द न्यूक्लियस, यहाँ हम कहें जब वहां से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं तो विद इन द एटम की बात कर रहे हैं हम लोग। न्यूक्लियर फोर्स की जब बात आ गई तो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा है, यानी कि अगर इसकी रेंज बात करें इसकी लॉन्गेस्ट थी तो इसकी शॉर्टेस्ट रेंज थी, कैसे रेंज थी इसकी शॉर्टेस्ट रेंज थी, क्लियर है। अगर हम बात करें फोर्स का न्यूमेरिकल रेशियो के अंदर कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कहते हैं कि अगर ये एक है ये एक है तो ये कितना होगा 10^25 ऑर्डर का होगा, यानी कि ये 1 न्यूटन लेंगे तो 10^25 न्यूटन का होगा, ये 10^36 का होगा, ये 10^38 का होगा, क्लियर है सर। लेकिन हम लोगों ने तो बहुत अलग अलग तरह के फोर्स पढ़े थे, तो आप लोगों ने जो फोर्स पढ़े थे तो आप लोगों ने पढ़ा था टेंशन, आप लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन, आप लोगों ने डिस्कस करा रोप के बारे में कि रोप होगी कोवलेंट बॉन्ड होगी, वो सारे के सारे कौन से फोर्स हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गए। ग्रेविटेशन के अलावा अगर आप लोगों को कोई फोर्स नजर आया दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स नजर आ रहा है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई, तो एक वायर के बीच में टेंशन हो गया फ्रिक्शन हो गया, ये सब कैसे फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कैसे फोर्स है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात क्लियर हुई, वीडियो को पॉज करके एक बारी सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग है ना कुछ कंजर्वेशन की भी बात करते थे, ठीक है कंजर्वेशन लॉ हमारे कौन कौन से होते हैं, तो नेचर में हमने चार कंजर्वेशन लॉ देखे हैं। आप लोगों ने वैसे कंजर्वेशन लॉ डिस्कस करे हुए और पढ़े भी हुए, तो पहला लॉ क्या बताता है कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आत्मा अमर है, ना ही उसको मारा जा सकता है ना ही उसको पैदा करा जा सकता है, वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। सिंपली एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसी तरह हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 9th क्लास में, कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम दो तरह का होता है, एक लीनियर होता है, हमने पढ़ा था 9th क्लास में लीनियर, एक एंगुलर भी होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्लियर है भाई? फंडा समझ में आया आप लोगों को? अब कहते हैं कि देखो फिजिक्स का मतलब क्या है, कि भाई हम लोगों ने स्टडी करनी है नेचर में या नेचर में होने वाले फिनोमिना की। जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो इन्वॉल्वमेंट होता है मेजरमेंट का वो बहुत एक्यूरेट होता है। फिजिक्स क्या करती है, इन्वॉल्व करती है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। क्या इन्वॉल्व करती है, एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है? तभी तो हम लोगों ने देखा कि हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिजिक्स अप्लाई होता है, चाहे वो हमारी बायोलॉजी है, चाहे हमारी केमिस्ट्री है, चाहे हमारा एस्ट्रोलॉजी है, हर जगह पे हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिजिक्स काम करता है। क्लियर है? जब हमने कहा कि हम लोगों को एक्यूरेट या प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए, तो हम लोगों को जो मेजरमेंट करना है वो बहुत एक्यूरेट करना है। अब मेजरमेंट होता क्या है वो पूछ ले कि सर मेजरमेंट होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ मेजरमेंट। तो नीड ऑफ मेजरमेंट हम लोगों ने बोला कि फिजिक्स में हमें क्या चाहिए, एक्यूरेट और प्रिसाइज रीडिंग चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, तो हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, नीड ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है ये बात हम लोगों को समझ में आई? जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट क्या है हमारा, मेजरमेंट बेसिकली प्रोसेस है कंपैरिजन का या कंपेयर करना। आप लोग अपने रूटीन में ऐसा जरूर देखते होंगे कि जब आप किसी ग्रोसरी शॉप के ऊपर पहुंचे, जब आप किसी ग्रोसरी शॉप के ऊपर पहुंचे तो आपने देखा कि वो एक तरफ तराजू के ऊपर एक तरफ 1 केजी का बट्टा रखता है और दूसरी तरफ वो सामान रखता है, और तब तक वो उसको कंपेयर करता रहता है जब तक कि वो सुई बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ जाती। ऐसा आप मार्केट में जब गए होंगे, आपने अगर कपड़ा खरीदा है रॉ मटेरियल खान में से, तो आप देखेंगे कि वो 1 मीटर स्केल से मेजर करके देता है, वो 1 मीटर देता है, 2 मीटर देता है, मतलब कि वो मेजरमेंट कर रहा है और एक्यूरेट मेजरमेंट करके देता है। आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैंने 1 मीटर कपड़ा खरीदा है, मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा है। तो कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो हम किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हम एक्यूरेसी और प्रिसाइज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जब कंपैरिजन करते हैं हम लोग चीजों का, तो हम लोग एक तरफ स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हैं और एक तरफ जिस चीज को हम लोगों ने कंपेयर करना है उसको हम लोग रखते हैं। फंडा क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो अब जब हम लोग कंपेयर कर पा रहे थे तो हम लोगों ने अभी बोला कि एक तरफ हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखते थे और दूसरी तरफ वो हम सामान या वो चीजें रखते थे जिसको हम लोगों ने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड वैल्यू से, ठीक है? तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी हमारे पास, अगर मास को मेजर करना था तो हमारे पास एक बट्टा था किलोग्राम का, लेंथ को मेजर करना था तो हमारे पास एक स्केल था जिसको हमने बोला मीटर स्केल, टाइम को मेजर करना है तो हमारे पास घड़ी है, टेम्परेचर को मेजर करना है तो हमारे पास एक थर्मामीटर है, ठीक है? यानी कि हर एक के लिए मेजर करने के लिए हम लोगों ने एक स्केल, एक डिवाइस, एक यूनिट बना के रखा हुआ है, मोटे मोटे शब्दों में हम लोग कहें। क्लियर है बात? यानी कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, मेजरमेंट करना चाहते हैं। मेजरमेंट किसका करना चाहते हैं, किसी न किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहते हैं, किसी न किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लोग करना चाहते हैं। कंपैरिजन हम लोग किसका करना चाहते हैं, क्वांटिटी का। क्लियर है? अब क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम लोगों ने मेजर करना है, टू बी
मेजर। लेकिन फिजिक्स में हम लोग लिखेंगे हमेशा फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी मेंशन करा तो कह रहा है कि टू रिक्वायर्ड ए मशीन फॉर मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट के लिए हम लोगों को मशीन का रिक्वायरमेंट आ गया तो हम लोग बोलेंगे वो एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। एक तरह का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम बात करें मास को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केल यूज करते हैं, तराजू यूज करते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग मीटर स्केल यूज करते हैं। टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग वॉच का यूज करते हैं। ये सब क्या है, एक तरह का मशीन है, और जहां मशीन आ गया वो क्वांटिटी कहलाएगी हम हमारी फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि मास को भी मेजर करना है, लेंथ को भी मेजर करना है, और टाइम को भी मेजर करना है, और ऐसी ये तीन चीजें तो हम लोग डेफिनेटली हमारे रूटीन लाइफ के अंदर देखते हैं। तो इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको हम लोगों ने मेजर करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोगों ने क्या करना है, मेजर करना है। और मेजर करने के लिए अब हर एक के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक नया डिवाइस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब डिवाइस के साथ साथ मास को मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम में, इसको हम लोग मीटर में, और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, तो हर एक के लिए क्या बनानी पड़ेगी, यूनिट्स भी बनानी पड़ेंगी। तो ऐसा बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हर एक के लिए एक डिवाइस तो बना सकते हैं, लेकिन यूनिट अगर बनाने लगे तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें बन जाएंगी और बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा कि अब फिजिकल क्वांटिटी को तीन कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले जिस जिसको मेजर करना है तो उसको हम लोगों ने कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तीन कैटेगरी में। यूनिट की बात हम लोग बाद में करेंगे, उसके लिए अलग से एक सिस्टम बना के रखा है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी जिस जिसको मेजर करना है, जिसके लिए मशीन हम लोगों ने डिजाइन करनी है, उनको हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा रेशियो, दूसरा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। जब रेशियो की बात करते हैं हम लोग, तो रेशियो जनरली हमें पाई के बारे में बताता है या ई के बारे में बताता है। पाई का वैल्यू हम लोगों को पता है 22/7 होता है, ई का वैल्यू 2.718 होता है। ये जनरली रेशियो है, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी रेशियो होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और एक हमारे पास डेराइव क्वांटिटी होती है। तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारे फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटीज का। एक बारी वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें जो उस पेपर पे लिखी है वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, क्या पूछ रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कह रहे कि ये बेस क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, या बेस फिजिकल क्वांटिटी है। इस दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बनी है जिसको हम लोगों ने मेजर करना है, वो सारी की सारी किससे आई है, हमारी फंडामेंटल से आई है। किससे आई है, हमारी फंडामेंटल से आई है, बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब बेस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग एग्जांपल में लें तो हम जैसे बोलते हैं मास, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जनरली बहुत सारी में सिर्फ सात है हमारे पास। कितनी है, सात। सात फंडामेंटल क्वांटिटी है और दो उसके साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है।
ठीक है ना, सात फंडामेंटल, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है हमारे पास, क्लियर है। जब फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करी, जब इनका डिसीजन लिया हम लोगों ने, तो इनके साथ एक वर्ड यूज करा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि ये ऐसी थी कि इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं था, मास का और टाइम का, लेंथ का, टाइम का, लेंथ का, टेम्परेचर का, एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है भाई, ये क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब जो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी थी, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्वांटिटीज, तो पहला था हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, और यहाँ उन के लिए यूनिट, और यहाँ सिंबल लिख रहे हैं, सिंबल ऑफ यूनिट। तो पहला हम लोगों ने भी मेंशन करा कि मास था, मास को मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम में, मास को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और किलोग्राम के लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग केजी। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं लेंथ, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और मीटर के लिए सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम, केजी, क्लियर है। तीसरा जो हम लोग यूज कर रहे हैं टाइम, टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड, और सेकेंड के लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग एस, क्लियर है। आगे आ गया हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं केल्विन, और इसके लिए सिंबल आ गया हमारे पास कैपिटल के। इसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो उसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, ये यूनिट हो गया, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम लोग कैपिटल ए। इसके बाद आप लोगों ने अपने रूटीन में देखा होगा, घर में जैसे बल्ब होते हैं, कुछ बल्ब की रोशनी ज्यादा होती है, कुछ बल्ब या ट्यूबलाइट्स होती है, इनकी रोशनी वो कम होती है, उसको हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। इसको जो मेजर करते हैं हम लोग कैंडेला, और इसके लिए सिंबल्स कैपिटल सी और स्मॉल डी। इसके बाद लास्ट में आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं या यूनिट यूज करते हैं मोल, और सिंबल हो गया MOL, क्लियर है। ये हमारी जो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी थी, ये एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट थी, इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी है कि इनसे बाकी की जितनी भी क्वांटिटी है वो बनी है। ठीक है, वो बनने के लिए क्या प्रोसीजर है कि इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दे या किसी को भी डिवाइड कर दे, यानी कि इन्हीं के मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से नया फिजिकल क्वांटिटी बना है। इसके साथ साथ दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी है, क्या हमारे पास, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो एक कहलाता है हमारे पास प्लेन एंगल, क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में, और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं RAD। प्लेन एंगल जैसे कि आप लोग ऐसे ये एंगल 30 लिखते थे, तो ये एंगल जो हम मेजर करते हैं अब रेडियन में ही मेजर करेंगे, ये 30 डिग्री है, अगर रेडियन में लिखते हैं तो इसको पाई बाय 6 लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए अब जब भी हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे तो एंगल डिग्री में मेजर ना करके हम जनरली किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे डिग्री की बात आती है वहां डिग्री भी मेंशन करेंगे। ये तो प्लेन एंगल हुआ, इसी तरह एक एंगल और होता है जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्लियर है। सॉलिड एंगल मतलब कुछ ऐसा मानो कि जैसे कि हम लोग ऐसे कौन सा बना दे, अब कौन आपने देखा होगा, सॉलिड कौन, बिल्कुल। तो ये जो सॉलिड कौन का जो एंगल बनता है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, और ये मेजर करते हैं स्टे रेडियन के अंदर, और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो SR करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, SR, क्लियर है भाई। एक बारी वीडियो को अगेन आप लोग थोड़ा सा पॉज करें और ये सारी चीजें नोट डाउन कर लें।
ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों को क्लियर हुआ। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी डिराइव क्वांटिटी के ऊपर। इसके ऊपर बात करते हैं डिराइव क्वांटिटी के ऊपर, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। कह रहे हैं कि जब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने बोला था कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम लोग एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं, ठीक है ना, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड वी कैन मेक ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी, एक नया फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है बात? अब नया फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनेगा, जैसे कि आप बात करते हैं एरिया, एरिया एक नया फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया, एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है वो लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है, यानी कि हम देखें लेंथ भी मीटर में मेजर करते हैं, ये भी हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, यानी कि मीटर मीटर को हम लोगों ने दो बार मल्टीप्लाई करा और एक नया यूनिट बन के आ गया मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने एम स्क्वायर बोला। अगर ऐसा हम लोगों ने तीन बार करा तो ये बन गया हमारे पास वॉल्यूम। क्या बन गया हमारे पास? वॉल्यूम। वॉल्यूम देखते हैं तो लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, तो ये मीटर इंटू में मीटर इंटू में मीटर, तीनों का लेंथ मीटर होता है, मतलब कि मीटर में मेजर करते हैं, तो नया फिजिकल क्वांटिटी बन गया मीटर क्यूब। आप लोगों ने ऐसे स्पीड भी पढ़ा है, स्पीड पढ़ा आप लोगों ने क्या करा, तो मीटर यानी कि आप लोगों ने लेंथ और टाइम को डिवाइड करा, लेंथ मेजर करते थे मीटर में, टाइम मेजर करते हम लोग सेकंड के अंदर, ये बन गया था मीटर पर सेकंड। इसी तरह आप लोगों ने क्या बनाया था, एक्सेलरेशन। हम वही बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने पीछे वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करा है। तो आप लोगों ने पढ़ा लेंथ अपॉन में टाइम का स्केयर, यानी कि लेंथ मेजर करते हैं हम लोग मीटर में, टाइम मेजर करते हैं सेकंड में, सेकंड का स्केयर, ये बन गया मीटर पर सेकंड स्केयर। इसी तरह जब आप लोग आगे की तरफ बढ़े तो आपने यूज करा था एक फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, मास को मेजर करते थे केजी में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्केयर, तो एक यूनिट बन गया था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी दो फंडामेंटल या तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कहलाया हमारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप जितना भी मल्टीप्लीकेशन देखते हो फंडामेंटल क्वांटिटी का, वो सारी की सारी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप रिकॉल करो अपने आप में, आप लोगों ने वर्क डन, आप लिख लेना, आप लोगों ने लिखा एनर्जी, आप लोगों ने लिखा मोमेंटम, ठीक है ना, ये सारे की सारी क्या है, हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है भाई? एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है होपफुली, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कह रहे हैं कि अब तक हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी तो बना लिया, लेकिन उनके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगा सर? क्या यूनिट? यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बात करते हैं, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है भाई। अब देखो यूनिट, देखें अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम का यूज करती हैं, कुछ कंट्री
एमकेएस सिस्टम को यूज करती है यूनिट के लिए। एमकेएस का मतलब एम फॉर स्टैंड मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। कुछ कंट्री सीजीएस सिस्टम, इंडिया यूज करता है भाई एमके सिस्टम। सीजीएस में हम लोग देखेंगे तो ये कहलाएगा सेंटीमीटर, ये कहलाएगा हमारे पास ग्राम और ये कहलाएगा हमारे पास सेकेंड। कुछ एफपीएस सिस्टम का भी यूज करते हैं, एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। यानी कि हर एक कंट्री अपना अपना सिस्टम यूज करता है और हो सकता है कुछ और नए सिस्टम भी हो। ठीक है, कोई बुराई थोड़ी है कि अपना सिस्टम बना के यूज करने में, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम लोगों को जब फिजिक्स में डील करना है तो हमें एक नया सिस्टम चाहिए था। नया सिस्टम क्यों चाहिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कहते हैं कि हर एक कंट्री अपने अपने सिस्टम के अंदर तो स्टडी करता है, लेकिन समहाउ या बाय चांस जब वहां का एक साइंटिस्ट, इंजीनियर या हम कहें टेक्नीशियन जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा तो उसे काम करने में दिक्कत होगी। ही विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या कर पाएगा तो उसको बड़ी परेशानी होगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ सोचा कि एक नया सिस्टम हम लोग डिजाइन करते हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, जो हर जगह काम करे। ठीक है ना? अब इस चीज के सोचने के लिए कि क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, जो न्यू सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, कंडीशन मतलब कि क्या क्या होना चाहिए। कंडीशन फॉर द न्यू सिस्टम, नए सिस्टम के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि नया जो सिस्टम है ना, उसको याद करने के लिए हम लिख सकते हैं स्मार्ट पीसी। क्या है? स्मार्ट पीसी। यहाँ पे स्मार्ट पीसी में हम लोगों ने क्या करा कि W को उल्टा कर दिया, मतलब कि M को उल्टा कर दिया। अब SWARTPC, ठीक है। कह रहा है कि जब हम लोग नया सिस्टम बना रहे थे तो वो होना चाहिए सुटेबल साइज का, ना तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए ना वो बहुत छोटा होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर लेंथ है मेजर करना है, तो अगर एक स्केल बनाते हैं, अगर बहुत छोटा बना देंगे तो तब भी मेजर करने में दिक्कत है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अगर छोटा स्केल बना दिया, अगर लेंथ ज्यादा है मेजर करने वाली तो बार बार मेजर करना पड़ेगा। ऐसे समझो कि अगर हम एक छोटे से स्केल से हमें बोल दिया जाए कि पूरे का पूरा घर नापना है, आप लोगों ने घर की लेंथ को मेजर करना है, तो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों को मेजरमेंट करनी पड़ेगी और उसमें एरर होने के चांसेस भी ज्यादा है। ठीक है, बहुत बड़ा बना दिया तो उसको कैरी करना मुश्किल। ठीक है, दूसरा था हमारे पास वेल डिफाइंड, यानी कि हम लोग बोले कि उसके ऊपर जो मार्किंग हो वो बिल्कुल प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि वो रब हो, हमें मेजरमेंट करने में दिक्कत हो। फिर उसके साथ हम लोगों ने बोला कि एक्यूरेटली मेंशन्ड हो उसके ऊपर कि मार्किंग है जो इक्वी डिस्टेंस हो, ना तो बहुत ज्यादा पास हो ना बहुत ज्यादा दूर हो, ऐसा हम लोगों ने सोचा। फिर ऐसा भी हुआ कि बाय चांस वो डिवाइस खराब हो गया, गुम हो गया, तो हम बड़ी आसानी से उसको रिप्रोड्यूस कर पाए। क्या कर पाए? रिप्रोड्यूस कर पाए। ऐसा भी ना हो कि मैं आज 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए अगर उस डिवाइस को यूज नहीं करता हूं तो या तो वो खराब हो जाए या वो चेंज हो जाए, ऐसा भी ना होना चाहिए। यानी कि डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ उसको चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि भाई आज मेजरमेंट मैंने इंडिया में करना था, कल मेजरमेंट मैंने चाइना में करना था, तो मैं गया तो वहां पर जैसे ही फिजिकल कंडीशन चेंज हुई, फिजिकल कंडीशन का मतलब वहां टेम्परेचर चेंज हुआ, ह्यूमिडिटी चेंज हुई, विंड की डायरेक्शन चेंज हुई, अगर ये चेंज होगी, बारिश हो गई, तो ऐसी चीज में ना वो हमारा जो डिवाइस है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो शुड नॉट चेंज
with फिजिकल कंडीशन. तो आप लोगों को समझ में आया एस सुटेबल वेल डिफाइंड ए आर टाइम और फिजिकल कंडीशन. क्लियर है, बात समझ में आई. जब हम लोग इन सब चीजों से ऊपर की तरफ आए तो हम लोगों ने बनाया एक न्यू सिस्टम. न्यू सिस्टम को हम लोगों ने बोला एस आई सिस्टम. क्या बोला? SI सिस्टम. और SI सिस्टम के अंदर हम लोगों ने वो सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटी को रखा. ठीक है, अब SI सिस्टम क्या था कि इसको ग्लोबली एक्सेप्ट कर सकते थे, हर जगह पे उसको यूज कर सकते थे. आप जब फिजिक्स की बात करेंगे, आप चाहे इंडियन ऑथर की बुक खरीदे या किसी फॉरनर ऑथर की बुक खरीदे, आप लोगों को जो यूनिट है वो सेम मिलेगा. आप चाहे यहाँ इंडिया में आकर मेजरमेंट करें या किसी फॉरेन में कंट्री में जाके मेजरमेंट करें, आप लोगों को वहां पर जो यूनिट मिलेगा वो सेम मिलेगा. आप इंडिया से स्टडी करके आप फॉरेन में कहीं जॉब करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज हम लोग जब डील करते हैं वो एसआई सिस्टम के अंदर करते हैं. ठीक है, जब एसआई सिस्टम हम लोगों ने बनाया ये सारी की सारी कंडीशन रख के, तो हम लोगों को इस कुछ एडवांटेजेस भी पता चली. क्या पता चली? एडवांटेजेस. एडवांटेजेस कुछ इस तरह से थी, तो उसको याद कर रहे हैं हम लोग कैरम से. तो पहला है सी ए आर एम. सी स्टैंड फॉर कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. ए फॉर एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट. R for rational system of unit. और लास्ट में हम लोग लिख रहे हैं metric system of unit. क्लियर है? जब हम लोगों ने बोला कि भाई current system है, SI system कैसा है? कोरेंट सिस्टम है. तो कोरेंट सिस्टम जब बोलने का मतलब क्या था कि जितना भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी यहाँ बना रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने बनाई, या तो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा था या डिवाइड करा था. तो हम कह रहे हैं कि जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी आर मेड आइदर either dividing or multiplying base quantity. ये इसका सबसे बड़ा advantages था. clear है? जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम g का use नहीं करते, no use of g. g आप लोगों को पता है acceleration due to gravity. acceleration due to gravity. बात क्लियर हुई? ठीक है, जब बात करते हैं हम लोग हमारे अगले वाले पॉइंट की, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम लोग कहते हैं कि भाई हम जब डील करते हैं किसी एक यूनिट के लिए, सॉरी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जैसे कि हम बात करते हैं हीट का, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं हीट. तो हीट हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है. अब हीट को अलग अलग दुनिया के अंदर अलग अलग यूनिट से मेजर करा जाता है, यानी कि जूल, आर्ग और कैलोरी. क्लियर है? हाँ कि ना? लेकिन जब एसआई सिस्टम में बात करें, जैसे हीट है, हीट को हम लोग जूल में भी मेजर कर सकते हैं, आर्ग में भी मेजर कर सकते हैं, कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं. लेकिन हीट की बहुत सारी फॉर्म है हम बात करते हैं, या बहुत सॉरी एनर्जी, इसको थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड एनर्जी. एनर्जी जो वर्ड है उसमें हम लोग देखते हैं कि हीट भी आता है, काइनेटिक एनर्जी भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी भी आता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हम लोग ने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया. तो अब उनके मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कभी कभार जूल और कैलोरी भी यूज करते हैं. लेकिन जब एसआई यूनिट की बात आ गई तो इन सब को यूज ना करके हम लोग सिर्फ किसका यूज करते हैं? एक यूनिट का यूज करते हैं, जूल का. चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर है हमारे पास एनर्जी, किसी भी फॉर्म के अंदर है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज करा? सिर्फ एक यूनिट यूज.
यूज करा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो बता रहा है हमारा मेट्रिक सिस्टम। क्या बता रहा है? मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम के अंदर क्या कहता है कि अगर हम लोगों ने SI यूनिट से हम लोगों ने MKS या हम लोगों ने CGS में जाना है तो हम लोग 10 टू पावर X में जाएंगे। अब ये जो X है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ये 1 2 3 ही होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉइंटों में कभी भी नहीं होगा। यानी कि पावर ऑफ 10 के अंदर हम लोग एक से दूसरे के अंदर स्विच कर सकते हैं। इन पावर ऑफ 10 वी कैन स्विच फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। कि बाय चांस अगर हम लोगों ने SI में डील लगा के MKS में या CGS में हम लोगों ने जाना है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बस पावर का फर्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर है भाई? समझ में आया? इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम और बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की, जो हम लोग बात करते हैं कुछ सिंबल्स की, और एक सिंबल जब हम लोग लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, तो उसका प्रॉपर पैटर्न क्या है उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है? थैंक यू।